देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है जीसीबी करेक्शन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो टॉपिक में मेनली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ करेक्शन। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीसीबी का। जीसीबी मतलब क्या होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जीसीबी क्यों निकालते हैं, किसका निकालते हैं और किस लिए निकालते हैं, ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, जीसीबी हम क्या करते हैं, कोल का निकालते हैं। कोल का इसलिए निकालते हैं ताकि हम उसका ग्रेड बता सकें, उसका क्वालिटी बता सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, जीसीबी निकालते हैं। तो इसको हम क्लासीफाई, तो हम इसका कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे मान लो हमारा, सपोज जैसे हमारा 7000 क्या हो गया, अगर कैलोरीफिक वैल्यू मान है तो इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, हमारा G1। ठीक है, और हम अगर मान लो 2200 से अगर हमारा आ गया 2500, ठीक है, ये कैलोरीफिक वैल्यू का मान बता रहा हूँ ना, तो ये हमारा हो जाएगा G17 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कोल में G1 से G17 कोल का ग्रेडिंग किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा कैलोरीफिक वैल्यू इस मशीन के द्वारा इसमें 7000 आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा G1। अगर इस मशीन के कैलकुलेशन के बाद हमारा 2200 आ रहा है, 2200 से 2500 के बीच में, तो हमारा G17 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये ग्रेड डिसाइड करता है, उस कोल का ग्रेड क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक, इस प्रकार से हमको उस कोल का क्या हो गया, हमको मालूम हो गया, जिस कोल का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीसीबी का वर्क हो गया। ठीक है, अब जीसीबी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगे रहते हैं कंबंसन, क्योंकि हमको प्योरली क्या करना है, फ्यूल को कंबंसन करा के हमको ये ग्रेट निकालना है। ठीक है, तो उस फ्यूल को हमको जलाने के लिए कुछ कुछ एडिशनल हमको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। मान लो हम देखते हैं अब जीसीबी करेक्शन, टाइप्स ऑफ करेक्शन, तो हमारे पास कितना करेक्शन होता है उसको बता रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद हमारा दूसरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ करेक्शन। तो हमारा सबसे पहले इग्निशियन करेक्शन हो जाएगा, इग्निशियन वायर करेक्शन। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एसिड करेक्शन। ठीक, ये हमारे तीन प्रकार का करेक्शन होता है, तीनों को अब मैं सेपरेट सेपरेट समझा देता हूँ। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इग्निशियन वायर करेक्शन का। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को निकालने के लिए जब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कोई भी फ्यूल का हम टेस्ट करते हैं, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, इग्निशियन वायर लेते हैं। मान लो ये हमारा बम कैलोरीमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा बम का क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर है, स्टील बम का अंदर का स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इग्निशियन वायर जोड़ देते हैं। ये मैं बम बता रहा हूँ, ये किसका है, हमारा मैनुअल का है। आजकल क्या है, ऑटोमेटिक बम का भी आ गया है, तो उसका कैसे रहता है, उसमें काटन थ्रेड नहीं रहता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। तो हम इग्निशियन वायर को यहाँ से एड करके यहाँ लाते हैं, और ये यहाँ रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, इसमें इग्निशियन वायर, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक वाले में अभी हम काटन थ्रेड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इग्निशियन वायर को इस प्रकार से उसमें अरेंज करते हैं, क्योंकि इसमें जगह दिया रहता है, आपको ज़्यादा वो करने की सोचने की बात नहीं है, इसमें जगह दिया रहता है, हम कैसे इसको लगाएंगे। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम 10 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, इग्निशियन वायर का यूज कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर इग्निशियन वायर हम क्या कर रहे हैं, मान लो यूज कर रहे हैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर हम इग्निशियन वायर का, हम मान लो उसका हम कंबंसन, मतलब 10 सेंटीमीटर को हम जलाने के बाद हमको कितना एनर्जी मिलेगा, कितना हीट प्रोवाइड मिलेगा, इसको हम देखते हैं। मान लो इसका होता है हमारा 30 कैलोरी। ठीक है, अगर हम 10 सेंटीमीटर को जलाते हैं तो हमारा कितना आएगा, 30 कैलोरी हम मशीन में सेव करके रखे हैं। ठीक है, कि अगर हम 10 सेंटीमीटर को अगर जलाते हैं तो हमारा जीसीबी में करेक्शन कितना होगा, 30 का हम उसको घटा देंगे। अगर हम इसको जलाते हैं तो हमारा मान लो कितना जला, 5 सेंटीमीटर जला, क्योंकि पूरा तो जलेगा नहीं। देखो ये क्या होगा, यहाँ हम दो तीन क्या करते हैं, राउंड उसको लपेटे रहते हैं, तो ये राउंड का क्या बच जाता है, बच जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो थोड़ा सा बचा है वो भी बच जाता है, तो पूरा कंबंसन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 10 में -5 कर दो तो हमारा कितना जला, टोटल 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का देखो, हम टोटल 10 सेंटीमीटर का 30 कैलोरी निकाले हैं, अगर 5 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसको हमको सिस्टम में अपडेट बस करना है कि कितना सेंटीमीटर हमारा इग्निशियन वायर जला, तो उसको हम 10 सेंटीमीटर में उसको फिट किए हैं, उसको हमको करेक्शन करके एडिट करके सिर्फ 5 करना है, तो अपने हिसाब से सिस्टम क्या कर लेगा, उसको अरेंज कर लेगा। ये हमारा क्या होता है, इग्निशियन वायर करेक्शन। ठीक है, हम ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जलेगा करके हमको अनुमान है, या 10 सेंटीमीटर हम
वायर ही लिए हैं और 10 सेंटीमीटर का कितना जलेगा इसको हमको मालूम है। जिस प्रकार से आप माचिस देखते हो, माचिस का एक तिल देख लेते हो, यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, एक माचिस का तिल मान लो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को हम जलाते हैं तो मान लो हमको 20 कैलोरी हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। बट क्या होता है, 90% चांस में रहता है हम माचिस के तिल को आधा जला के छोड़ देते हैं, मतलब जो हमारा आधा जला लेकिन आधा जो बचा है उसमें भी हमको कैलोरी मिलेगा, है ना। तो हम 30 में मान लो आधा को घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्शन हो जाएगा कि हमको जितना यूज हुआ उतने को ही येट करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो जेसीबी का रिजल्ट है वो परफेक्ट नहीं मिलेगा। वास्तव में क्या है, हम जेसीबी करेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वास्तव में जो फ्यूल का हमारा हीट है, जो कंबंशन है, वही हमको प्राप्त हो, ठीक है, ताकि हमको हमारा रिजल्ट में कोई फ्लक्चुएट ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं इग्निशन वायर का। दूसरा हम अब देखते हैं, हम क्या देखते हैं, कूलिंग करेक्शन देखते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन समझने से पहले थोड़ा डायग्राम को समझाना इसलिए चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, स्टील बम है, अगर इसमें कंबंशन होगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो हमारा क्या होगा, ये पानी भी गर्म होगा। मतलब क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद तुरंत ठंडा होता है, उसको हम क्या करते हैं, कूलिंग करेक्शन बोलते हैं। इसका कहने का मतलब एकदम साधारण भाषा में क्या समझा देता हूँ, अगर हम क्या करते हैं, पानी को एकदम ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद क्या होता है, ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन बार बार होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं तो पानी से, नॉर्मल पानी से क्या हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, और भाप को हम फिर से क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं तो फिर से क्या होता है, पानी में चेंज हो जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें हीट हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, केवल हीट का खेल है। हम तापमान को क्या कर रहे हैं, तापमान को एक बार बढ़ा रहे हैं तो वो तापमान वो क्या बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है, जब तापमान को कम कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो पानी बन जा रहा है ना। यही चीज़ है हमारा कूलिंग करेक्शन। इसी चीज़ को क्या करते हैं, इस प्रोसेस में जितना भी लगा उसमें हम जो वाटर इक्विवेलेंट क्या करते हैं मान को, उसको क्या करते हैं, इसमें सेट कर देते हैं कि कितना में हमारा टेम्परेचर कम हुआ, कितना में टेम्परेचर बढ़ा, है ना। मतलब हमारा एक बार T1 हो जाएगा, जो टेम्परेचर बढ़ा वो T1 हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा जो दूसरा टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इन दोनों का करेक्शन निकालने के लिए हम ΔT करते हैं तो T2 माइनस हमारा हो जाएगा T1। ये दोनों का वैल्यू को क्या करते हैं, हम सिस्टम में अपलोड कर देते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू आएगा वो सही से आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दूसरा कूलिंग करेक्शन होता है। ये उसमें बुक में बहुत जटिल दिया है, उसको समझाने में बहुत तकलीफ होगा, आप बस इसी चीज़ को याद रखो। जब हम टेम्परेचर को, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, याद रखिएगा 25, अगर 25 से मान लो हम 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो एक बार में चेंज हो जाएगा, और 100 को हम फिर क्या करते देते हैं, डायरेक्ट हम 25 ला देते हैं तो फिर से वो पानी में आ जाएगा। मतलब एक बार हमारा कमरे के तापमान से उसका तापमान जब बढ़ता है तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, जब वेपर को हम फिर से ठंडा करते हैं तो ड्रॉपलेट में फिर वो चेंज हो जाता है। ये सब प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, वही एनर्जी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको टोटल में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा जीसीवी में जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसमें हमारा कोई नुकसान ना हो, ठीक है, या हमारा रिजल्ट एकदम एक्चुअल आए। ये हमारा क्या हो गया, हमारा कूलिंग करेक्शन हो गया। बुक में थोड़ा सा डिटेल्स में दिया है इसको। देखो जब आप कूलिंग करेक्शन निकालोगे तो हमको दो चीज देखने को मिलता है, डी मल्टीप्लाई डी टी, ठीक है, डी टी मल्टीप्लाई डी टी होता है, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर में पानी का अधिकतम, जो कैलोरीमीटर है, देखो ये मैं बताया था, कैलोरीमीटर में पानी जो अधिकतम क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उसको मिनटों में हम कैसे ठंडा करते हैं, उसको क्या करता है, शो करता है। और हमारा डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग करेक्शन, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, कूलिंग करेक्शन को हो जाएगा। तीसरा और मोस्ट होता है एसिड करेक्शन, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एसिड करेक्शन। जब क्या होता है, फ्यूल को जब हम क्या करते हैं, कंबसन करते हैं, कंबसन करते हैं तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उसमें प्रेजेंट सल्फर और नाइट्रोजन क्या करता है, अपने से रिलेटेड, अपने से जो रिलेटेड रहता है उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे सल्फर किसमें हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और हमारा नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये कैसे बनाता है इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, एसिड करेक्शन। जब हम क्या करते हैं, फ्यूल को, है ना, फ्यूल को कंबंशन कराते हैं तो उसमें प्रेजेंट
देखो हमारा क्या होता है, फ्यूल में कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारे क्या रहता है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा सल्फर उसमें प्रेजेंट है ना, इसमें प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट एलिमेंट्स सल्फर एंड नाइट्रोजन, अधिक ताम अधिक क्या हो जाएगा उसमें अधिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण क्या हो जाता है अपने से रिलेटेड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज ठीक है। ये क्या होता है जब हम इसको कंबंशन कराते हैं फ्यूल को, तो उसमें क्या रहता है अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के कारण वो अपने से रिलेटेड सल्फर और नाइट्रोजन क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसी को हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि क्या होता है सल्फर और नाइट्रोजन जो रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो किस में ऑक्सीडाइज होता है इसको बता रहे हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर में क्या होता है हम किसके जब हम सबसे पहले जलाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम आग नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमारा ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो ये क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और प्लस हम इसमें दो मॉलिक्यूल वाटर का भी रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं जब बम कैलोरीमीटर हम बनाते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है एक वाटर का जैकेट रहता है, तो ये वाटर के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है ड्रॉपलेट बनाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ये इसीलिए ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है यहाँ पे ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन N2+5O2 N2 2H2O के साथ मिलके क्या बनाता है हमारा 4HNO3, मतलब ये नाइट्रिक एसिड बनाता है ठीक है। हमारा नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये किस में होता है तो ये एसिड करेक्शन में होता है ठीक है, एसिड करेक्शन में होता है, जब हम बम को धोते हैं तो इसमें कुछ प्रेजेंट रहता है सल्फर नाइट्रोजन, तो उसको क्या करते हैं उसको हम माइनस करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट सही से आ सके, ये हमारा क्या होता है एसिड करेक्शन होता है ठीक है। एसिड करेक्शन का थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं, अगर हमारा 0.1 नॉर्मलिटी का हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रहा तो प्रत्येक केमिल में क्या करते हैं 3.6 कैलोरी क्या करते हैं उसमें घटाते हैं टोटल का ना, टोटल जब हमारा करेंसी वैल्यू आएगा तो उसमें क्या करते हैं अगर 0.1 नॉर्मलिटी का है तो 3.6 कैलोरी उसमें क्या करते हैं घटाते हैं, और 0.01 नाइट्रिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं प्रत्येक एमएल में 1.43 क्या करते हैं उसको घटाते हैं कैलोरी घटाते हैं ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन में आपको याद रखना है कि हमारा अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण सल्फर फ्यूल में क्या रहता है सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो वो अपने से रिलेटेड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये दो चीज़ को आपको याद रखना है ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ लिए, हम फ्यूज वायर करेक्शन देख लिए, कूलिंग करेक्शन देख लिए, एसिड करेक्शन देख लिए, तीन टॉपिक में हम क्या कर लिए मोस्टली चर्चा कर लिए ठीक है। तो आज के लिए बस।